क्या हाल है बोल्ड आर्मी, मैं हूँ बोल्ड और मेरे साथ है मेरा भाई सिंचन। और सिंचन जैसे कि तू आज देख रहा है, आज मतलब सुबह से कंटिन्यूस बारिश गिर रहा है, पता नहीं क्यों। अरे बोल भाई, बारिश के कारण आज मैं बाहर भी नहीं जा पाया। सिंचन तूने गॉडजिला वर्सेस किंग कॉन्ग मूवी देखी थी जो हाल ही में रिलीज हुआ था? बोल भाई देखा था, बड़ा मस्त लगा था मेरे को। वैसे तेरे को वो मूवी देख के क्या सीख मिला? बोल भैया, आप एक साईफाई मूवी में मॉरल साइंस ढूंढते हो। सिंचन तेरे से बात करना ही बेकार है। गाइस सुनो, मेरा एक भाई है, मतलब आप में से सब्सक्राइबर भाई में से एक मेरा भाई है वंश वर्मा, जो मेरे को हर रोज कमेंट करता है कि बोल भाई गॉडजिला लकी बॉक्सेस के ऊपर एक वीडियो बनाओ। सो वंश वर्मा ब्रो, आज मैं गॉडजिला लकी बॉक्सेस के ऊपर तो वीडियो ये नहीं है, लेकिन आज सिंचन हम लोग इस वीडियो में रेयर गॉडजिलास ढूंढने वाले हैं GTA 5 में। अरे बोल भाई क्या बात कर रहे हो, लेकिन मेरे को आपको देख के लग नहीं रहा है कि आप गॉडजिला का आमना सामना कर पाओगे। वैसे मैं कहां जा रहा हूं सिंचन, तू जा रहा है? अरे बोल भैया, आप मौत के कुएं में मुझे धकेल रहे हो। टेंशन मत ले, इसका भी बहुत सारा उपाय है। सिंचन अभी चलते हैं, मेरे पास एक नया गाड़ी है और पहले गॉडजिला का एनकाउंटर करते हैं। वो तो इसी कारण से इस बारिश गिर रहा है। हाँ इसी कारण से, जल्दी आ जा भाई। अरे सिंचन तो यार बड़ा स्लो है यार। अरे बोल भैया आप ज्यादा तेज हो, बारिश में गिर जाओगे, इतना तेजी से मत जाओ। तो सिंचन मैं तेरे को अभी इंट्रोड्यूस करा देता हूँ जुरासिक पार्क वाला गोल वाला व्हीकल। अरे बोल भाई ये व्हीकल आपको मिला तो मिला कैसे? अरे सिंचन बहुत दूर की बात है, अभी बैठ यार। आज एक्चुअली हम लोग जा रहे हैं गॉडजिला को ढूंढने, तो ये थोड़ा सेफ रहेगा, ठीक है? अरे बोल भाई, हाँ हाँ मुझे पता है ये थोड़ा सेफ है, लेकिन मुझे फिर भी अनसेफ फील हो रहा है। क्यों सिंचन? क्योंकि आप जो चला रहे हो इसको। सिंचन तेरे को वो किस्सा पता है ना, मेरे को 5 साल की उम्र। हाँ हाँ बोल भाई, आपके 5 साल की उम्र में आपको प्रोफेशनल ड्राइविंग का लाइसेंस मिला था गंदी ड्राइविंग के लिए। अरे सिंचन ये इंक्लूड करना जरूरी था क्या? और अभी हम कहाँ जा रहे हैं बोल भैया? तेरे को हर क्वेश्चन चाहिए, हर क्वेश्चन का आंसर भी चाहिए। हाँ अभी सुन, हम लोग जा रहे हैं छोटू गॉडजिला को ढूंढने। छोटू गॉडजिला? ये कैसा गॉडजिला? चल ना यार, तू टेंशन मत ले। सिंचन तो हम लोग लोकेशन पे पहुंच चुके हैं। अरे बोल भाई यहाँ पे छोटू गॉडजिला मिलेगा? अरे यार मिलेगा यार, तू टेंशन मत ले सिंचन, वो मेरा दोस्त है। अच्छा अच्छा, हाँ हाँ दोस्त होगा, क्योंकि आप तो गॉडजिला की तरह ही हो दिखने में। सिंचन यार हर रोज हर टाइम लेता है मेरे को। सिंचन अभी उतरते हैं इससे छोटू को। अरे सुनाई दिया तेरे को? छोटू गॉडजिला का आवाज सुनाई दे रहा है? सुनाई तो दे रहा है मेरे को भी। वो आने वाला है छोटू गॉडजिला, मैं बोल्ट आ जाओ यार पानी के बाहर से। अरे यार ये बोल्ट कैसे आ गया यहाँ पे? और ये बोल्ट के साथ ये छोटा बच्चा कौन है? वैसे मैं भी छोटू हूँ, लेकिन फिर भी यार बहुत छोटा बच्चा लेकर के आया है ये, गॉडजिला के सामने डरेगा तो नहीं है बच्चा? अरे छोटू गॉडजिला आ जाओ, मैं एक नया दोस्त को लेकर के आया हूँ। अरे छोटू गॉडजिला कैसे हो तुम? अरे छोटू गॉडजिला मैं हूँ सिंचन। वही मैं सोच रहा था, ये कौन है बच्चा? अच्छा ये सिंचन है। हेलो सिंचन, मैं हूँ छोटू गॉडजिला। अरे छोटू गॉडजिला आपसे मिलकर के बहुत अच्छा लगा। छोटू गॉडजिला अभी सिंचन की बात को साइड कर, मुझे तेरे पावर चाहिए आज के लिए। वो क्यों? क्योंकि आज मैं आइस और फायर गॉडजिला को ढूंढ रहा हूँ। अरे उसके लिए तो पापा से बात करना पड़ेगा। वही ना, वही कारण के लिए चाहिए। तू अपने पावर सिंचन को दे दे, ताकि वो तेरे पावर्स को लेकर के मतलब पापा से बात कर सके। अरे ये कर सकते हैं, लेकिन पापा गुस्सा हो जाएंगे। नहीं होंगे, बस पूछेंगे फायर और आइस गॉडजिला को मतलब ढूंढने के लिए क्या करना पड़ेगा। ओके ओके, फिर सिंचन तुम पास आ जाओ, तुम्हें पावर्स दे देता हूँ। ओके आ गया मैं पास, अभी कैसे मिलेगा? अरे बोल भैया मैं तो छोटू गॉडजिला बन गया हूँ। सिंचन अभी सुन, अभी स्पेयर में बैठते हैं और पापा के पास चलते हैं। अरे बोल भैया पापा के साथ मतलब सामने जाने में मेरे को डर लग रहा है। अरे यार तू गॉडजिला है यार, बच्चा है तो तेरे को कुछ नहीं करेगा, मेरे को बहुत कुछ करेगा। चल आ जा बैठते हैं, जल्दी आ जल्दी आ सिंचन, आ जा। आना बोल भैया, आप एक गॉडजिला को इसके मतलब अंदर बिठा के जाओगे अभी? अरे सिंचन टेंशन मत ले, मैं हूँ ना। अरे पता है आप हो, इसलिए तो डर लग रहा है, क्योंकि आप मतलब बहुत अनसेफ ड्राइवर हो ना। सिंचन टेंशन क्यों लेता है यार? सिंचन अभी देख मैं कितना बढ़िया तरीके से चलाने वाला हूँ, मौसम देख। अरे बोल भैया मौसम का छोड़ो, आपका ड्राइविंग देखो। सिंचन तेरे पूछ के कारण हो रहा है, तेरा पूछ जमीन के अंदर ऐसे डिग करके जा रहा है ना, तो चलाने में दिक्कत हो रहा है मेरे को। अरे बोल भैया आप मेरे पे इंजाम मत डाला करो प्लीज। तो सिंचन हम लोग पहुंच चुके हैं लोकेशन पर। अरे बोल भैया लेकिन पापा गॉडजिला नजर नहीं आ रहा है। ये देख सिंचन पापा गॉडजिला। अरे पापा गॉडजिला तो समुद्र के किनारे ही है। तू जल्दी से जा और पापा गॉडजिला से बात कर और बोल अच्छी तरीके से बोल फायर आइस गॉडजिला कैसे मतलब मिलेगा। और पापा कैसे हुआ? बेटे तुम्हें मैंने एक अलग जगह दिया था ना, तुम यहाँ पे क्या कर रहे हो? अरे पापा आपसे बस मिलने आया था और एक बात पूछना था आपसे। कैसी बात बेटे, किसी ने परेशानी की है क्या? हाँ पूरे शहर को तबाह कर दे क्या? अरे नहीं नहीं पापा, बस आपसे पूछना था, मुझे अपने दोस्त आइस गॉडजिला और फायर गॉडजिला से मिलना है। क्या बात कर रहे हो तुम, यह असंभव है, आइस गॉडजिला और फायर गॉडजिला से तुम नहीं मिल सकते बेटे। लेकिन
क्यों पापा? क्योंकि आइस गॉडजिला और फायर गॉडजिला दोनों अलग प्रजाति है। फिर भी गॉडजिला ही तो है ना, मुझे एक बार देखना है आइस गॉडजिला को और फायर गॉडजिला को। ठीक है बेटे, तुम एक काम करो, तुम आइस गॉडजिला और फायर गॉडजिला से मत मिलो, लेकिन उनके बेटे से जरूर मिल सकते हो। लेकिन उसके लिए क्या करना पड़ेगा? आइस गॉडजिला को मिलने के लिए तुम्हें बाहर में जाना पड़ेगा, माउंट चिलियट के ऊपर अभी पूरा बर्फ पड़ रहा है, तो उधर ही मिलेगा तुम्हें लिटिल आइस गॉडजिला। ओके पापा, तो मैं चलता हूँ। अरे बेटे ठीक से बाय बाय भी नहीं किए। अरे पापा कोई बात नहीं, आते रहेंगे। सिंचन उधर फायर गॉडजिला के बारे में पूछा ही नहीं। अरे बोल भाई, वो मैं आइस गॉडजिला से पूछ लूंगा, आइस गॉडजिला को मिल करके। अगर उसको पता होगा तभी तू पूछ सकता है ना। अरे बोल भैया कोई बात नहीं। और तू बाइक लेकर के जा रहा है? हाँ बोल भैया, अभी मैं अकेले ही जाने वाला हूँ, बस आप मुझे गाइड करते रहना रास्ते में। रास्ते में नहीं, हर वक्त गाइड करेंगे ब्रो, क्योंकि तू अभी आइस गॉडजिला से मतलब मिलने वाला है। यार तू गॉडजिला के लिए क्या क्या कर रहा है? अरे बोल भैया करना पड़ता है यार, समझो बात को। ओके ओके सिंचन, संभाल के जा। लेकिन ठीक है, आइस गॉडजिला कैसा है तेरे को भी पता नहीं है और मेरे को भी पता नहीं। बोल भैया जैसे कि देख सकते हो चारों तरफ बर्फ ही बर्फ है। एंड बोल भैया, इतने बड़े माउंट चिलियट के टॉप में मैं अभी आइस गॉडजिला को कैसे ढूंढने वाला हूँ? बोल भैया आप ही कोई हिंट दो ना, मतलब एडवाइस दो ना कि कैसे ढूंढ सकते हैं आइस गॉडजिला को। सिंचन पीछे पीछे पीछे। ओके बोल भैया, अभी इस बोर्ड में क्या लिखा है? डेंजर। सिंचन इधर ही है, तू रोर कर सकता है, रोर। ठीक है, तू रोर करके उसको बुला। ओके बोल भैया। मेरे को कौन बुला रहा है? ये तो गॉडजिला का आवाज है। अरे ये तो गॉडजिला है। अरे आइस गॉडजिला तुम आ गए। अरे गॉडजिला तुम यहाँ क्या कर रहे हो? एक मिनट, यहाँ पे इंसान लोग हैं, मैं इन लोग को मार लेता हूँ क्योंकि मेरे इलाके में आए हैं। अरे तुम लोग मेरे इलाके में क्यों आए थे? अभी तुम लोग को बर्फ बनाने वाला हूँ। अरे ये बर्फ भी बना सकते है सिंचन, ये देख। अरे बोल भैया मैं तो खुद हैरान हूँ, ये तो बहुत शक्तिशाली है। तू भी शक्तिशाली है, ठीक है, तू भी अपने मुंह से मतलब प्लाज्मा बीम उगल सकता है, मतलब निकाल सकता है। ओके गॉडजिला तुम कहाँ हो? मेरे पास आओ। अरे आ रहा हूँ आइस गॉडजिला। अच्छा बताओ तुम क्यों आए हो? तुम्हें पता है ना तुम्हारे प्रजाति और हमारे प्रजाति के बीच नहीं बनती है। हाँ मुझे पता है, लेकिन मुझे तुमसे मिलना था, तुम दोस्त जो हो हम लोग गॉडजिला प्रजाति का ही है ना। अच्छा अच्छा ठीक है, लेकिन मुझे नहीं लगता तुम सिर्फ मुझे मिलने आए हो। एक्चुअली बात ये है कि मुझे तुम्हारे पापा को देखना है। यह संभव है, मैं अपने पापा से मतलब मिलने के लिए तुमको नहीं ले जा सकता हूँ। नहीं नहीं तुम बात को समझो ना, बस एक ही बार देखना है, मैंने आज तक आइस गॉडजिला को नहीं देखा है। अच्छा तुम एक काम करो, पापा है वहाँ पे जो समुंदर है, यहाँ से पूरा सीधा देख सकते हो, ये बड़ा समुंदर। हाँ हाँ। तो इसी में पापा तुमको मिल जाएंगे, लेकिन पानी के अंदर जाके तुम्हें ये एक और बार रोर करना है। हाँ, वो तो कर लेंगे। और एक चीज, तुम्हें मेरे पावर्स लेना पड़ेगा। मतलब? तुम्हें मैं बनना पड़ेगा। अच्छा वो कर लेंगे यार, मैं खुशी खुशी कर लूंगा। ओके फिर पास आओ, तुम्हें मैं अपना पावर्स देता हूँ और तभी पापा तुमको एक्सेप्ट करेंगे, क्योंकि पापा को लगेंगे कि बेटा आया है। ओके ओके दो पावर्स दो। ओए मुझे मिल चुका है आइस गॉडजिला वाले पावर्स। तो बोल भाई अभी नीचे चलते हैं समुंदर में और पापा को बुलाते हैं। लेकिन बुलाएंगे कैसे? रोड करके, भूल मत, रोड करके बुलाना पड़ेगा। ओके बोल भाई अभी मोटर बाइक से जाएंगे नीचे, क्योंकि मैं तो सिंचन नुहारी हूँ ना, नुहारा ओपी। तो बोल भाई अभी मैं मस्ती तरीके से जाने वाला हूँ। सिंचन संभाल के, लेकिन ठीक है, गिर मत जाइयो। अरे बोल भैया नहीं गिरेंगे, मैं तो प्रोफेशनल हूँ ना। अरे सिंचन तो सही में बहुत कमाल तरीके से चला रहा है इसको यार। अरे बोल भैया मैं तो कमाल हूँ, धमाल हूँ, माला माल हूँ। सिंचन बस कर यार, बहुत डायलॉग मारता है। अरे बोल भैया बस देखो अभी कैसे आइस गॉडजिला को मिलता हूँ। अरे बोल भैया इधर तो इंसान लोग है, मैं इन लोग को अभी बर्फ बनाने वाला हूँ बोल भैया। अरे मेरे को मतलब भाव ही नहीं दे रहे थे तुम लोग, ये लो अब बर्फ बन जाओ, अभी तुम लोग को मैं ढूल में मिलाने वाला हूँ घुसा मार के, ये लो। अरे बोल भैया क्या ही ओपी है आइस गॉडजिला। सिंचन तू खुद सोच, अगर तू इतना ओपी है तो पापा कैसा होगा? अरे बोल भैया डराओ मत यार। कोई टेंशन नहीं, जस्ट पानी के अंदर जा और पापा करके मत बुलाओ, ठीक है, पता चल जाएगा कि तू कोई और है, रोर कर। ओके बोल भैया रोर करेंगे रोर। तो मैं पानी के अंदर अभी मतलब जाने ही वाला हूँ, मुझे डर लग रहा है। बोल भैया मैंने रोर कर दिया, अभी मुझे समुंदर किनारे जाना पड़ेगा बोल भैया। अरे बेटे कैसे आना हुआ इतने दिनों बाद, और तुम
तो ब्लू हो रहे हो धीरे धीरे। अरे पापा आपको देख के मुझे बहुत अच्छा लगा। बोल भाई ये देख रहे हो, ये तो पूरा ब्लू कलर का बना हुआ है। हाँ सिंचर ये क्या मजेदार है ना दिखने में। क्या बात है, कुछ बोल क्यों नहीं रहे हो बेटे? नहीं नहीं पापा, बस आपको देख रहा था, आप तो ज्यादा ब्लू कलर के हो गए हो। ब्लू कलर का हो गया हूँ और जरा स्ट्रॉन्ग भी बन गया हूँ। वैसे पापा मुझे आपसे एक बात पूछना था। कैसा बात? मुझे फायर गोजिला से मिलना है। असंभव, और ये कभी नहीं हो सकता। प्लाज्मा, फायर और आइस कभी नहीं मिल सकते। बहुत भयानक लड़ाई हो जाने वाली है। अरे पापा लेकिन मैं उनके बेटे से तो मिल सकता हूँ, फायर गोजिले के बेटे से। हाँ ये तुम कर सकते हो, लेकिन मिलना ही क्यों है? ताकि पापा मैं फ्यूचर में उसको हरा सकूं, उसके पावर जानने हैं मेरे को। अच्छा ऐसा बात है, फिर तो तुम्हें उसको मिलने के लिए जाना पड़ेगा सी ऑफ फायर में। सी ऑफ फायर मतलब? ऐसा पानी के अंदर जाना पड़ेगा, मतलब पूरा आग ही आग है। तो मैं कैसे जाऊंगा? तुम नहीं जा सकती, तुम्हें रोल करके उसके बेटे को बुलाना पड़ेगा। अगर पापा आ जाए तो तुम वहाँ से भाग लेना। ओके पापा, फिर मैं जाता हूँ और फायर गोजिला को देख करके आता हूँ, पावर जान करके आता हूँ। बेटे लेकिन संभाल के, मामला गड़बड़ हो सकता है। वो थार्मेल गोजिला के नाम से भी जाना जाता है, बहुत ही ताकतवर गोजिला है। आपसे भी ताकतवर? नहीं हमसे ताकतवर नहीं। अरे पापा फिर तो मैं उसको मिलूंगा ही, मैं जा रहा हूँ। बेटे जल्दी वापस आना। ओके ओके, बोल भैया अभी मजा आने वाला है। बोल भैया मेरे को तो बोला गया था सी ऑफ फायर, लेकिन ये तो ऐसा लग रहा है सी ऑफ एसिड वाटर। अरे सिंचन तू पानी के अंदर मत जा, मेरे को भी लग रहा है एसिड वाटर जैसा। अरे बोल भैया मैं गोजिला हूँ और वो भी आइस गोजिला, टेंशन क्यों ले रहे हो? मेरे को एक बार तो देखना ही है फायर गोजिला को। सिंचन रिक्स क्यों ले रहे? अरे बोल भैया रिक्स है तो इश्क है। अरे सिंचन कितना गहरा है देख। अरे बोल भैया कोई टेंशन नहीं, अभी मैं रोड करने वाला हूँ। भैया मैंने रोड तो कर दिया, अभी आने वाला है, मेरे को नहीं लगता। बोल भैया पापा फायर गोजिला आने वाला है। मैं बीच के किनारे बैठ जाता हूँ थोड़ी देर और देखता हूँ कौन आता है। भैया सिंचन, सिंचन ये तो पापा फायर गोजिला है। बोल भैया आप क्या करें? सिंचन भाग, सिंचन भाग। बोल भैया कितना बड़ा है ये देखो। सिंचन इसको मत देख तू भाग, मैंने तेरे को बोला था मत जा यार मत जा। बोल भैया अब तो भागना ही पड़ेगा, आप देखो पीछे देखो कितने सारे बच्चे हैं इस फायर गोजिला के। सिंचन तूने मुसीबत अपने सर में क्यों ले ली भाई? मेरे को क्या पता था बोल भैया ऐसा होगा। जाओ बच्चों इस आइस गोजिला को मार के इसको खा जाओ। अरे बोल भैया क्या करे? अरे बोल भैया मैं तो सिंचन में बदल गया, अब तो मैं हेल्पलेस हो गया हूँ बिल्कुल। सिंचन भाग यार मेरा धड़कन तेज हो रहा है। बोल भैया कोई बात नहीं, मेरे को एक गाड़ी दिखाई दे रही है, उसी गाड़ी को लेकर के भाग जाएंगे। लेकिन बोल भैया मैं तो बच गया, लेकिन अभी लॉस सेंटोस का क्या होगा? सिंचन मेरे को भी डर लग रहा है, अभी गोजिला के बीच फाइट होने वाला है, आइस गोजिला, फायर गोजिला और प्लाज्मा गोजिला। अरे बोल भैया ये मैंने क्या कर दिया यार, मेरे को लगा था हैप्पी एंडिंग होने वाला है, ये तो सैड एंडिंग हो गया। हर टाइम हैप्पी एंडिंग नहीं होता है सिंचन। अरे बोल भैया सॉरी सॉरी। कोई बात नहीं सिंचन कोई बात नहीं। सो गाइस अगर आपको ये वाला एपिसोड पसंद आया है तो बोल भाई के चैनल को जरूर से सब्सक्राइब कर लेना गाइस, और वीडियो अच्छी लगी तो लाइक के बिना मत जाना गाइस। और सिंचन तू अभी भाग यार भाग, हम कुछ देख लेंगे मिल करके दोनों। ओके बोल भैया भाग रहे हैं, बाय बाय सब्सक्राइबर भाई लोग, बाय बाय एवरीवन।